बहुत समय से पहले की बात है कि एक बार एक छोटा लड़का था जिसका नाम श्याम था। वह एक बगीचे में एक बरगद पेड़ डीएच के नीचे खेल रहा था। बच्चे को खेलते खेलते बगीचे में एक क्रिस्टल बॉल मिली। ये एक जादुई क्रिस्टल बॉल थी जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी। बॉल मिलते ही बच्चे ने बॉल को अपने बैग में रख लिया। बच्चे ने सोचा, जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती वह बॉल को अपने पास ही रखेगा। ऐसा सोचते हुए बहुत दिन निकल गए और बच्चे को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह जादुई बॉल से क्या मांगे। एक दिन श्याम का एक दोस्त राम उसके पास पाया। राम ने क्रिस्टल बॉल श्याम के पास देखी और बॉल बैग से निकाल ली। इसके बाद राम बॉल को लेकर पूरे गांव में घूमने लगा। गांव में बॉल को देखकर सब अपने लिए धन, महल और सोना चांदी मांगने लगे, लेकिन सभी को बस अपनी एक ही इच्छा पूरी करने का मौका मिल रहा था। अंत में सबको अपनी इच्छाओं को पूरी करने का पछतावा हो रहा था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि उन्हें जो चाहिए था वो नहीं मिला। सबकी इच्छा बढ़ते जा रही थी पर वो नहीं मांग पा रहे थे। गांव के सभी लोग दुखी होकर श्याम के पास पहुंचे। श्याम ने सबकी हालत देखी और बॉल से इच्छा व्यक्त की, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। बॉल ने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। यह देख सबने श्याम को धन्यवाद किया। सब श्याम के सूझ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।